छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में 5 लाख कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है, उन्हें धमका रही है। जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार 34% डीए दे रही है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं दे सकती। सरकार अब कर्मचारियों के साथ भी छल कर रही है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार को कर्मियों का हक देना पड़ेगा। राजनंदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ है। डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के स्ट्राइक पर कहा कि 4,07,000 अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर हैं। भूपेश बघेल सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हैं। कर्मचारियों की जायज मांगों और अधिकारों की राशि देने से इनकार कर रही है। 34% महंगाई भत्ता केंद्र सरकार दे रही है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था, मध्य प्रदेश में 34% डीए दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 7वें वेतनमान के अनुसार 18% मूल वेतनमान में एचआरए और 34% डीए सरकारी कर्मचारियों को देने की मांग करती है। 22 अगस्त से हड़ताल कर रहे कर्मचारी छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने पिछले महीने 25 से 29 जुलाई तक 5 दिनों का आंदोलन किया। वित्त विभाग ने 16 अगस्त को 6% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया है, लेकिन इस आदेश को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों में भारी नाराजगी है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता 12% बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, उन्हें केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता चाहिए। कर्मचारी संघ 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। बता दें, राज्य सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया है, लेकिन इस आदेश को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों में भारी नाराजगी है। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता 12% बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता 34% देने की मांग की जा रही है। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी निकल चुके हैं। प्रदेश भर में लगभग 4 लाख से ऊपर कर्मचारियों के हड़ताल से आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हड़ताल को 101 कर्मचारी अधिकारी संगठनों का समर्थन है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से दफ्तरों में सन्नाटा पसा हुआ है। आंदोलन की वजह से स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक कामकाज, राजस्व मामले के निपटारे को लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मांगों पर शीघ्र फैसला लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।